Assalamualaikum viewers, welcome to lectures by Waqas Aziz. हम फिलोसफी में जो फिलोसफिकल मेथड आज डिस्कस करेंगे वो है फ्रांसिस बेकन का साइंटिफिक मेथड. लेकिन हम सिर्फ उसका साइंटिफिक मेथड डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम उसका जो कंसेप्ट है आइडल्स ऑफ ह्यूमंस उसको भी डिस्कस करेंगे. तो ये वीडियो दो पार्ट्स में है, ये लेक्चर फ्रांसिस बेकन के ऊपर. पहला जो पार्ट है, जो करंटली वीडियो चल रही है, इसके अंदर हम आइडल्स ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे कि वो क्या बात थी जो फ्रांसिस बेकन ने की थी, वो कौन से आइडल्स हैं. ठीक. दूसरा जो पार्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो उसके साइंटिफिक मेथड या उसे इंडक्टिव मेथड कह लें उसके ऊपर है. तो हमने इन दोनों को डिस्कस करना है क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या तो आइडल्स ऑफ ह्यूमंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है फ्रांसिस बेकन का, या फिर उसके साइंटिफिक मेथड या उसे इंडक्टिव मेथड कह लें उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या कंबाइंड एक क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों को आपने डिस्कस करना होता है. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इसके बहुत जरूरी हैं डिस्कस करना. ठीक. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडल्स ऑफ ह्यूमंस. ठीक. आइडल्स का कंसेप्ट जरा समझें. आइडल्स कहते हैं एरर्स को, फैलेसीज को. अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, ह्यूमंस के अंदर कुछ ऐसे एरर्स हैं, कुछ ऐसी फैलेसीज हैं जिसकी वजह से वो चीजों का जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं कर सकते, ट्रूथ को नहीं जान सकते. किस वजह से? क्योंकि कुछ ऐसे आइडल्स हैं. ठीक. यहां तक बात समझ आई? आ जाए आगे. फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है. एम्पिरिसिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट है फिलोसफी के अंदर जो कि कहता है जितना भी नॉलेज है ये सारा नॉलेज जो है वो डिराइव हुआ है सेंसरी एक्सपीरियंसेस से. ठीक. प्राइमरीली सेंसरी एक्सपीरियंसेस से. ठीक. और फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो अपना साइंटिफिक मेथड दिया या उसे आप इंडक्टिव मेथड कह लें, वो प्योरली बेस कर रहा था सेंसरी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर. ठीक. और वो जो क्लासिकल इंडक्टिव मेथड है उससे काफी कॉम्प्लेक्स है, वो हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड पार्ट है वीडियो का जिसमें हमने मेथड को डिस्कस करना है. डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो तो हम वहां पे जाके डिस्कस करेंगे. अब आए जरा आगे. नोवम ऑर्गेनम, ये बुक का नाम है जो फ्रांसिस बेकन ने बुक लिखी 1620 में. अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि फ्रांसिस बेकन की कौन सी बुक थी जिसमें उसने अपने साइंटिफिक मेथड का या आइडल्स ऑफ ह्यूमंस का जिक्र किया. वो है नोवम ऑर्गेनम, 1620 में लिखी गई. नोवम कहते हैं न्यू, ऑर्गेनम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट या टूल. यानी इस बुक को अगर हम इसका नोवम ऑर्गेनम का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो हम कहेंगे न्यू इंस्ट्रूमेंट या न्यू टूल. ठीक. नोवम ऑर्गेनम के अंदर इसने दो बातें की फ्रांसिस बेकन ने. एक डिस्कस किया आइडल्स ऑफ ह्यूमंस, दूसरा उसने अपना साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस किया. यहां तक बात समझ आई? अब आगे आए. जब फॉर्मुलेशन होती है किसी एक कंसेप्ट की, कोई भी एक कंसेप्ट आपके जहन में बना रहे हैं आप या फॉर्मुलेट हो रहा है, तो दो बातें होंगी, या तो वो कंसेप्ट फॉल्स होगा या फिर वो कंसेप्ट ट्रू होगा. अगर आपका कंसेप्ट ट्रू है तो इसका मतलब कि जिस मेथड के थ्रू आपने वो कंसेप्ट बनाया है वो मेथड एक्यूरेट मेथड था, इसलिए आपका कंसेप्ट ट्रू निकला. लेकिन अगर आपका कंसेप्ट फॉल्स हो जाता है तो उसमें फिर दो कंडीशंस हैं, या तो आपने फ्लॉड मेथड यूज किया या फिर ये आइडल्स थे जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट ठीक नहीं बना. और ये आइडल्स इन नंबर्स कितने हैं? फोर आइडल्स हैं, चार आइडल्स हैं. ठीक. अब ये एक्यूरेट मेथड अगर आपका कंसेप्ट ट्रू हो जाता है, और ये फ्लॉड मेथड, ये तो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है जो जिसमें मैंने इंडक्टिव मेथड या साइंटिफिक मेथड को डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है.
ये तो सेकंड पार्ट है। जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो ये वाला पोर्शन है, आइडल्स ऑफ ह्यूमंस। फोर आइडल्स हैं, ठीक। अब वो फोर आइडल्स क्या हैं और आइडल्स कहते किसे हैं ये जरा समझें। आइडल्स कहते हैं एरर्स, नेचुरल टेंडेंसीज और डिफेक्ट्स डेट बीसेट माइंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, करेक्ट साइंटिफिक रीजनिंग, परसुएट ऑफ ट्रू नॉलेज। आइडल्स फ्रांसिस बेकन उनको कहता है, उन एरर्स को कहता है, उन नेचुरल टेंडेंसीज को कहता है, उन डिफेक्ट्स को कहता है जो कि इंसान के माइंड को रोकते हैं और उसे प्रिवेंट करते हैं किस चीज से, कि वो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके नेचर के बारे में, करेक्ट साइंटिफिक रीजनिंग कर सके और परसुएट ऑफ ट्रू नॉलेज। इनसे आपको जो चीज रोक रही है वो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन आइडल्स हैं, एरर्स हैं, ठीक। अब ये एरर्स, ये आइडल्स, ये फैलेसीज ये हैं क्या? ये चार हैं। पहली देखें, आइडल्स ऑफ ट्राइब। ट्राइब से यहां पे मुराद है फ्रांसिस बेकन की इंटायर ह्यूमन रेस, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके बारे में कलेक्टिवली वो बात कर रहा है और उसे कह रहा है आइडल्स ऑफ ट्राइब। अब तमाम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या ऐसी फैलेसीज हैं या क्या ऐसा एरर है जिसको फ्रांसिस बेकन हमें बताना चाह रहा है? देखें, नेचुरल वीकनेसेस एंड टेंडेंसीज कॉमन टू ह्यूमन नेचर, ये वो नेचुरल वीकनेसेस हैं या टेंडेंसीज हैं जो सब ह्यूमंस के अंदर कॉमन हैं, जितने भी इंसान हैं। और ये टेंडेंसीज या ये एरर्स जो हैं आइडल्स ऑफ ट्राइब, ये जो इंटायर ह्यूमन रेस के अंदर हैं, ये इननेट हैं एंड कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। इननेट हैं और इसको कंप्लीटली एलिमिनेट हम नहीं कर सकते, तो इसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जो तमाम इंसानों के अंदर ये एरर कॉमन है। एग्जांपल्स देखें, लिमिटेड डल एंड डिसीवेबल सेंसेस, दैट्स ट्रू, हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता, लिमिटेड है। एक खास फ्रीक्वेंसी तक मैं अपनी कानों की मदद से आवाज को सुन सकता हूं, अगर उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो मैं उस आवाज को नहीं सुन सकता, ठीक। तो हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं, डल हैं और डिसीवेबल हैं। एंटायर ह्यूमन रेस की बात है, जितने भी इंसान हैं। आपने कई दफा देखा होगा कि आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप दूर से किसी बंदे को आता हुआ देख रहे होते हैं, काफी दूर होता है वो और हल्का हल्का अंधेरा भी होता है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं लेकिन हल्का हल्का, जैसे मगरिब का टाइम है, ठीक, डस्क का। तो वहां से कोई बंदा आ रहा है, आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरा भाई है या सिस्टर आ रही है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता जाता है या आती जाती है तो आपको पता चलता है कि वो मेरा भाई नहीं है, ना ही मेरी सिस्टर है, वो कोई और है। लेकिन शुरू में आपकी सेंसेस से आपको ऐसा लगा कि वो आपका कोई अपना ही आ रहा है, ऐसा होता है, आपकी सेंसेस आपको डिसीव कर जाती हैं कई दफा, ठीक। तो डिसीवेबल हैं हमारी सेंसेस, ठीक हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें इसी की, मैं नेकेड आई से एटम्स को, माइक्रोब्स को नहीं देख सकता, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, उनको मैं अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकता। अगर उन्हें देखना है तो मुझे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ही मैं उसको जाके देख सकता हूं। जैसे स्टार्स को हम देखते हैं तो हम उनको जूम नहीं कर सकते, हम यहां से स्टार्स को देख रहे हैं, अगर हमें जूम करके देखना है तो हमें किसका सहारा लेना है, टेलीस्कोप का लेना है, ठीक। तो सेंसेस हमारी लिमिटेड भी हैं, डल भी हैं, डिसीवेबल भी हैं, ठीक। दूसरी देखें एग्जांपल,
natural inclination to accept, believe, and even prove what we would prefer to be true. ये हम humans की बड़ी एक common natural tendency है कि हमें जो चीज true लगती है हम impose करते हैं दूसरों के ऊपर और हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी उसको accept करें, believe करें उसके ऊपर. ठीक, real life examples हैं. आप अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को देख लें, जो एफिलिएशन होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी लीडर के साथ, अगर उस लीडर ने कोई गलत काम किया है या अगर उस लीडर का कोई ऐसा है प्रोग्रेस शो नहीं हो रही, हालांकि वो पूरे कंट्री को चला रहा है, उसकी प्रोग्रेस शो नहीं हो रही, जो उसके अपने सपोर्टर्स हैं वो फिर भी उसको डिफेंड करेंगे, उससे कहेंगे कि ये हमारा बिल्कुल सच्चा लीडर है, ईमानदार है और ये कोशिश कर रहा है पूरा अपनी इस कंट्री को ठीक करने की. यानी जो भी आप काउंटर आर्ग्यू करें वो आपकी बात नहीं मानेंगे. ठीक, तो क्या है, वो अपने जिसे वो अप्रूव करना चाह रहे हैं वो उसी को ही अप्रूव करेंगे, ट्रू कहेंगे. समझ आई इस एग्जांपल की. अगला देखें, रश टू कंक्लूजन, प्री मेच्योर जजमेंट्स. एक और फैलेसी जो एंटायर ह्यूमन रेस के अंदर है कि दो तीन ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसके बाद उसको जनरलाइज कर देते हैं. हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम वेट करें और ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस को गैदर करें, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करें, इतना पेशेंस नहीं है. हम जल्दी से कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि हमारी प्री मेच्योर जजमेंट होती है और बाद में आगे जाके वो गलत भी हो सकती है और अमूमन होता भी है क्योंकि प्री मेच्योर जजमेंट्स गलत हो जाती हैं. एग्जाम्पल देखें, मैं आपको कहता हूं कि मैं एक बंदे से मिला, उसका नाम जरक था और वो जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था. पहला मेरा ऑब्जर्वेशन. दूसरा ऑब्जर्वेशन कि मैं जैनब से मिला, वो भी जीसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और वो भी बहुत ही ब्रिलियंट थी. सेकंड ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन, मैं जाके सबा से मिला, वो भी जीसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और वो भी ब्रिलियंट थी. ठीक, तीन ऑब्जर्वेशंस हो गई. रश टू द कंक्लूजन, मैं कह देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जीसी यूनिवर्सिटी के, इसका मतलब ये कि वो सारे के सारे ब्रिलियंट हैं. अब ऐसा जरूरी तो नहीं, हो सकता है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट निकले जो कि डल हो, इंतहाई डल हो, ऐसा स्टूडेंट निकले कि जिसके ऊपर बहुत सारी वायलेशंस हो. ठीक, तो रश टू द कंक्लूजन ये भी इंटायर ह्यूमन रेस के अंदर एक फैलेसी है, एक एरर है. ये समझ आई. अगली एग्जांपल देखें, सरेंडर टू कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी, बड़ी कॉमन है. आप ये काम क्यों कर रहे हो, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी में मैंने रहना है तो मैं कैसे कर सकता हूं यार, ये लोग क्या कहेंगे. फ्रांसिस बेकन कहता है ये भी एक एरर है जो कि इंटायर ह्यूमन रेस के अंदर है कि हम अपने सोसाइटी के लोगों को देख के अपना डिसीजन ले रहे होते हैं. मेरे अपने कोई पैशंस हैं, मैं उन पैशंस को फॉलो नहीं कर सकता. किस लिए नहीं कर सकता, मुझे डर है कि सोसाइटी क्या कहेगी. समझ आई बात की. अब ये मैंने पहला लिखा है आइडल्स ऑफ ट्राइब, अब इसको मैं इरेज करके बाकी तीन भी लिख देता हूं. ठीक, इसको नोट कर लें जी. तो आ जाए सेकंड नंबर पे है आइडल्स ऑफ केव. यहां पे फ्रांसिस बेकन इंडिविजुअल केस की बात करता है, किसी एक इंडिविजुअल को. ठीक है, आप कहता है एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, उसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं. देखें, वो कहते हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किस तरह वेरी करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, जेंडर की वजह से, रिलीजन की वजह से, या किसी एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर लर्निंग की वजह से. ये एरर्स, ये जो आइडल्स ऑफ केव है जिसमें वो एक इंडिविजुअल केस की बात कर रहा है, इन चीजों की वजह से वेरी करते हैं ये एरर्स. ठीक, और क्या चीजें इसके अंदर हमें नजर आती है, पोजेस्ड बाय प्रीजुडाइस, सेल्फ इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इंडिविजुअल्स ज्यादातर इन चीजों को प्रेफर, ज्यादातर इन चीजों को वो कर रहे होते हैं, क्या नाम है,
परफॉर्म कर रहे होते हैं या इन चीजों का जो उनके माइंड के अंदर है उन्होंने घेरा किया हुआ होता है प्रीजुडाइस ने, सेल्फ इंटरेस्ट ने, लाइक्स ने, डिसलाइक्स। ठीक, एग्जांपल देखें, मिजेंड्री। मिजेंड्री कहते हैं हेट फॉर मैन, जब वुमन जो है वो हेट करती हो मैन को, वो कोई चाइल्डहुड ऐसा कोई बिटर एक्सपीरियंस भी हो सकता है उस वुमेन के साथ, जिसकी वजह से उसके दिल में एक नफरत आ गई हो मर्दों के लिए, मिजेंड्री हो गई। पहले फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो यहां पे जो मेन कॉज बना वो क्या था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था। ठीक, इन्फ्लेशन को आप देख लो, महंगाई को, रिच क्लास के ऊपर ये कितना असर करती है और रिच क्लास इन्फ्लेशन को किस तरह देखता है, मिडिल क्लास इन्फ्लेशन को किस तरह देखता है और पुअर क्लास के लोग इन्फ्लेशन को किस तरह देखते हैं। अब महंगाई हुई है तो रिच क्लास पे असर हुआ है, लेकिन उनकी नजर होती है कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा गिर रहा है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, उनका एक आर्ग्यूमेंट है। मिडिल क्लास वालों का आर्ग्यूमेंट है कि अब हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट पैसा गिरा रही है, महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही। अब मिडिल क्लास का जो रिएक्शन होगा महंगाई के ऊपर वो इस तरह का होगा। पुअर क्लास कहेगी कि जो हकूमत है उनको तो हमारा ख्याल ही नहीं है, ठीक, वो तो चाहते ही है कि हम मर जाएं। ठीक, तो पुअर क्लास जो है उसका रिएक्शन ज्यादा बिटर होगा इस इन्फ्लेशन के ऊपर। समझ आई बात की? तो तीनों क्लासेस का जो रिएक्शन है एक चीज के ऊपर वो डिफरेंट है उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, उनकी सोशल क्लास की वजह से। यहां पे सोशल क्लास भी आता है पर्टिकुलर लर्निंग के साथ, यहां पे सोशल क्लास भी लिख दें कि वो भी डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अगली एग्जांपल देखें, डिसलाइक मैथ। ये लाइक्स और डिसलाइक्स की बात मैंने की थी, ये है लाइक्स और डिसलाइक्स की, डिसलाइक मैथ। जो भी ये वीडियो देख रहा है, मुझे लगता है कि इनमें से 70% वो स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ को पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि मैथ टफ है तो इसलिए उन्हें मैथ पसंद नहीं होगी। तो ये तो आपकी अपनी इंडिविजुअल केस है अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन कि आपको मैथ नहीं पसंद, जबकि मैथ तो पूरा एक नॉलेज का एक समझो दरिया है, समंदर है, और आप उसी को आपकी डिसलाइक है उसके साथ और आप कह रहे हो कि मुझे पसंद नहीं मैथ। ठीक, समझ आई। अब थर्ड नंबर पे आए, आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस। फ्रांसिस बेकन कहता है ये आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस जो है, ये पर्टिकुलरली हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, डिबेसमेंट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मिसयूज। वर्ड्स को डिग्रेड कर देते हैं, मिसयूज करते हैं, और मिसयूज ऑफ वर्ड्स कॉजेस कंफ्यूजन एंड कंट्रोवर्सी। और जो वर्ड्स को हमने मिसयूज किया है तो उसकी वजह से क्या है, कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। Errors in language distorts truth. Confusion हुई, controversy create हो गई, और language के अंदर जो error है उसकी वजह से truth जो है distort हो गया। ठीक, example देखें, morality is the end of life. आप बताएं मैंने क्या लिखा है, क्या आप इसको समझ पा रहे, इस जुमले से क्या मुराद है, morality is the end of life. इस एक वर्ड की वजह से मैंने कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। एंड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक मीनिंग होता है खत्म, खत्म हो जाना, दूसरा होता है पर्पस। अब आप मुझे बताएं कि मैंने किस सेंस में यूज किया होगा, ऑब्वियसली मैंने पर्पस की सेंस में यूज किया कि मोरलिटी इज द एंड ऑफ लाइफ, पर्पस है लाइफ का कि मोरलिटी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन जब तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की बात, आपको ये चीज कंफ्यूजन दे रही थी कि यार इसने क्या लिखा है। एक और चीज,
और से देखें मैं क्या लिख रहा हूं। क्या लिखा है? अब आप में से पहली बार आधे लोगों के जहन में, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनके जहन में ये बात आई होगी, कोई नेगेटिव टर्म आया होगा जहन में, कोई नेगेटिव बात आई होगी कि यार ये वकास ने क्या लिख दिया। ठीक, उन्हें लगा होगा कि ये कुछ इमोरल कर दिया वकास ने। कुछ लोगों के जहन में डायरेक्ट इंटरकोर्स की बात आई होगी, कुछ लोगों के जहन में ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की सूरत में आया होगा। आप जब एफएससी में होते हैं, 9th 10th में होते हैं, तो आपकी बायो की बुक में आप इस वर्ड को पढ़ते हैं, ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने इस वर्ड को डिबेस किया हुआ है, डिग्रेड किया हुआ है। आप सोसाइटी में आप जाएं, बाहर कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जाएं और इस वर्ड को आप अटर करें, प्रोनाउंस करें, तो लोग आपको ऐसे देख रहे होंगे कि यार ये क्या कह रहा है। हालांकि आप बिल्कुल, मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मेरा जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है या मेरी जो सेक्स है वो मैं मर्द हूं, तो मेरी ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। ठीक, लेकिन इस वर्ड को हमने क्या किया हुआ है, डिग्रेड किया हुआ है। ठीक, समझ आई इस बात की? तो इस तरह क्या है, फ्रांसिस बेकन कहता है कि लैंग्वेज के अंदर एरर्स हैं जिसकी वजह से पूरी बात कन्वे नहीं हो रही, पूरी बात कन्वे नहीं हो रही तो ट्रुथ छुप जाता है, ट्रुथ की असल शक्ल रहती नहीं है। जब असल शक्ल ट्रुथ की नहीं रहेगी तो इट मींस कि वो ट्रुथ है ही नहीं। समझ आ गई? अब फोर्थ नंबर पे आए, लास्ट, आइडल्स ऑफ थिएटर। इसको जरा समझे, फ्रांसिस बेकन कहता है कि वी आर हाईजेक्ड बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि जो अब नॉलेज हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच के कितना नॉलेज आप लोगों को मिला होगा, आपने एफएससी की 9th 10th एफएससी, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी तक आए, वहां पे आपने अपने पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, फिलोसफी सोशियोलॉजी जो कुछ भी पढ़ा है, आपको बहुत सारा नॉलेज मिल गया है। फ्रांसिस बेकन कहता है कि इतना नॉलेज से बम्बार्ड कर दिया है, ये जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो अभी हमको मिल चुका है, हमारे माइंड में आ चुका है, ये हमें क्या है, इसने हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को रोक दिया है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। क्योंकि फ्रांसिस बेकन कहता है कि इंसान को खुद सीक आउट करना चाहिए ट्रुथ को, खुद जाके सर्च आउट करना चाहिए, लेकिन आपको अभी बैठे बैठे चीजें मिल रही हैं नॉलेज की फॉर्म में। तो क्या है हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, हमारा जो वो थर्स्ट था कि हम जाके खुद सीक आउट करें, वो खत्म हो गया। ठीक, अब इसकी एक एग्जांपल देखें, हाईजेक्ड बाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। मैं आपको जितना भी फिलॉसफी पढ़ाता हूं या जो कुछ भी, या आपको कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाता है, आप उसको बैठ के सुन रहे होते हैं और एंड पे आप ये इंतजार कर रहे होते हैं कि सर जो टीचर है आपका जो पढ़ा रहा है वही आके आपको क्रिटिसिज्म भी बताएगा। आप खुद से अपना माइंड यूज नहीं कर रहे कि यार इस बात पे तो ये क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, इस पे तो ये क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, आप नहीं कर रहे, बल्कि आप वेट कर रहे हो कि टीचर हमें बताएगा कि इस पे क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो हम क्या है, वो स्पून फीडिंग नहीं होती, उसमें आ गए। तो फ्रांसिस बेकन की अगर एक जरा सी देखा जाए तो ये बात ठीक भी लग रही है कि नॉलेज जो पहले से हमें मिल चुका है तो उसकी वजह से हम हर चीज को टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और खुद से कोशिश नहीं कर रहे। ठीक, समझ आई? अब आगे आए सुपरस्टिशंस की बात, कि आइडल्स ऑफ थिएटर में एक और चीज भी है कि सुपरस्टिशंस होते हैं जिनको लोग क्या है एज अ ट्रुथ फॉलो कर रहे होते हैं। सुपरस्टिशन कहते हैं कि कोई फॉल्स आइडिया जिसपे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का यकीन हो। एग्जांपल देखें, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो जरूर कुछ ना कुछ गलत होगा। ये बात, इस बात के पीछे लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे, लेकिन आधी से ज्यादा दुनिया मानती है इसको, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो जरूर कुछ गलत होगा। ठीक, मेरे हाथ से गिलास गिर गया, टूट गया शीशे का गिलास, तो कोई बुरी खबर आएगी। सुपरस्टिशंस हैं और उन सुपरस्टिशंस को हम एज अ ट्रुथ मान रहे हैं, इट मींस कि हम उनको रिगार्ड कर रहे हैं एज अ नॉलेज। तो फिर हम कैसे सर्च आउट कर सकते हैं ट्रू नॉलेज को?
अब आए आगे आर्टिफिशियल इमिटेशन ऑफ ट्रुथ। ये जो ड्रामा, ये फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, ड्रामा हम देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वहां पे जो ट्रुथ को इमिटेट करके बताया जा रहा होता है, और पर्टिकुलरली मैं एग्जांपल देता हूं लव की। आपको ड्रामों में या मूवीज में लव जिस तरह दिखाया जा रहा होता है और लव के लिए जो जद्दोजहद की जा रही है, हीरो बहुत कुछ कर रहा है, रियल लाइफ में उस तरह नहीं है। लेकिन जब हम उसको देख रहे होते हैं मूवी को या ड्रामे को, तो उस पर्टिकुलर लव का जो एस्पेक्ट है उसको हम उठा के अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं उर्दू पॉइंट का एक चैनल देख रहा था, वो एक ड्रामा है जिसमें वो काले कपड़े पहन के घूम रहा होता है, क्या नाम है, कमली है, पता नहीं क्या इस तरह का नाम है उस बंदे का, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उर्दू पॉइंट वालों ने एक वीडियो बनाई भी थी कि एक बंदा अभी करंटली है उस ड्रामे से, वो इतना इंस्पायर है क्योंकि उसका लव, उसका ब्रेकअप हो गया, उसका लव टूट गया, अब वो उसी गेटअप में काले कपड़े पहन के घूम रहा होता है, परिजात के गेटअप में लोग घूम रहे हैं, इतना अपने ऊपर सवार किया हुआ है। ठीक, मैं आपसे पूछता हूं कि हीरो की डेफिनेशन क्या है, तो आपके जहन में हीरो की डेफिनेशन वो फिल्मों वाले हीरो की आएगी कि जो एक मुक्का मारे तो अगला बंदा 10 किलोमीटर दूर जाके गिरे। ठीक, अब समझ आई बात की कि हम, हमारे सामने जो फिक्शंस या जो ड्रामे, हमारे सामने जो मूवीज आती हैं, हम उनसे चीजों को उठा के पिक कर रहे हैं और उन्हीं को रियलिटी मानते हैं, ट्रुथ मानते हैं, हालांकि वो रियलिटी या ट्रुथ से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम उनको पिक कर लेते हैं। और फिर हम में से कुछ ऐसे शहजादे या शहजादियां भी होती हैं जो उनको पर्टिकुलरली फॉलो कर रही होती हैं, देवदास बन के बैठे हुए हैं, भाई ब्रेकअप हो गया तो हो गया, होने तो क्या है, खत्म हो गई जिंदगी। समझ आई इस बात की। अब आगे आए फ्रांसिस बेकन, क्या कहना चाह रहा है, अब इसने जो चार आइडियल्स दिए, आइडल्स ऑफ, ये जो सबसे पहला था ट्राइब, फिर आइडल्स ऑफ केव, आइडल्स ऑफ मार्केट प्लेस, आइडल्स ऑफ थिएटर, क्या कहना चाहता है इन चार आइडल्स से। वी नीड टू वाइप आउट दीज आइडल्स इन ऑर्डर टू बिल्ड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। हमें इन आइडल्स को वाइप आउट करना होगा ताकि हम नेचर की ट्रू अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। आइडल्स ऑफ ट्राइब में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारा सेंसेस लिमिटेड है, हम उसको वाइप आउट नहीं कर सकते, हम परफेक्ट सेंसेस नहीं ला सकते, लेकिन जहां जहां पे पॉसिबल है, जैसे ये इंडिविजुअल केस में, ये प्रीजुडाइस, लाइक डिसलाइक, सेल्फ इंटरेस्ट, इनको तो खत्म किया जा सकता है। मार्केट प्लेस में जो लैंग्वेज के एरर्स हैं, इनको खत्म किया जा सकता है। आइडल्स ऑफ थिएटर में ये जो हम सुपरस्टिशंस मानते हैं, या हालांकि फ्रांसिस बेकन ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो हमारे पास अभी मौजूद है, इसको भी वाइप आउट कर दो। और इसी तरह ये आर्टिफिशियल इमिटेशन ऑफ ट्रुथ है जो ड्रामों के जरिए हमें मिलती है, उसको भी वाइप आउट करो। तो फ्रांसिस बेकन कहता है जब हम इन सब को वाइप आउट कर देंगे तो हमारा माइंड प्योर हो जाएगा, अब हम रेडी हैं कि हम खुद से चीजों को एक्सपीरियंस करें और नेचर और ट्रुथ की तरफ खुद जाएं, फिर हम ट्रुथ को अटेन कर सकते हैं। समझ आई? अब बात हुई है कि मैंने इतनी बातें की, लेकिन आपको कुछ इसमें से क्रिटिसिज्म का तो सूझा नहीं होगा, तो इसलिए मैं खुद बता देता हूं कि क्रिटिसिज्म क्या बनता है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इस पे डेड माइंड का बनता है। अगर मैं सब चीजें, ये प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, सब कुछ जहन से वाइप आउट कर दूं, तो फ्रांसिस बेकन कह रहा है कि जहन प्योर हो जाएगा। प्योर नहीं हो जाएगा, जब जहन से मैं सब कुछ वाइप आउट कर दूंगा तो जहन मेरा एम्प्टी हो जाएगा, और एम्प्टी माइंड इज जस्ट लाइक डेड माइंड। ठीक, जब मेरे जहन से ही सब कुछ निकल गया तो मेरा माइंड ही डेड हो गया। इवन के हंटर स्टेज में भी लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ चीजें होती थी, उनको फियर का पता होता था कि मुझे किस चीज से डर है, किस चीज से नहीं है, चीजों को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। मैं तो उन स्टेज से भी निकल जाऊंगा, डेड माइंड हो जाएगा मेरा। सेकंड, डिग्रेडेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप कैसे जो नॉलेज पहले से मौजूद है उसको डिग्रेड कर रहे हो। इसी नॉलेज की वजह से तो आज साइंस ने इतना एडवांसमेंट आई है दुनिया के अंदर, दुनिया में जो यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज है उनको हम अनफोल्ड करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। सिंपल एग्जाम्पल है, आपके वालदेन ने, आपने, अगर आपकी एज ज्यादा है मेरी उम्र के हैं आप लोग, तो आपने
अपनी 9th, 10th में या 7th, 8th में पढ़ा होगा कि भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, लेकिन अब साइंस इतनी एडवांस हो गई कि हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क्स हैं। तो जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी मदद से हमने ना कोई आगे जाके जितनी भी मिस्ट्रीज हैं उनको अनफोल्ड करते जा रहे हैं। तो हम कैसे इस नॉलेज को, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को खत्म कर दें? ये तो हम डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक, समझ आई इस बात की? अब पार्ट टू है वीडियो का जिसमें मैंने ये मेथड डिटेल में डिस्कस किया है फ्रांसिस बेकन का, उसको जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।